आपका स्वागत है दर एम शो क्लिप्स में बस देखते रहो और सीखते रहो ड्रग्स वग्स का प्रॉब्लम होता था तब तब नहीं तब सब दा, दारू वाले होते थे जसचरस वाले होते थे चरस हाँ चरस, चरस गांजा चरस 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 बर्बाद हुए लोग चरस गांजे की वजह से नहीं बर्बाद को लेकिन ये भी मानते थे कि चरस सही नहीं है दारू पीने वाले को भी बुरा बोलते थे बच्चे लोग ज़्यादा ये नहीं होते थे लेकिन फिर भी शराब पी लेते थे लोग खराब हो जाते थे, जा थे। हाल ही में ना एक जर्नलिस्ट आई थी शो पर उनका नाम है शीला भट्ट मैम तो उन्होंने दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे इंटरव्यूज लिए और उनसे मैंने हाजी मस्तान करीम लाला इन सब लोगों के बारे में पूछा तो बेसिकली उसी फेज के बारे में आप बात कर रहे हो सिक्सटीज सेवेंटीज तो अंडरवर्ल्ड का प्रेजेंस था धारावी में मतलब आप वाई नॉट धारावी में तो मतलब धारावी में तो कोई ऐसा था एक तो वरदराजन थे हमारे और मस्तान भाई थे बॉम्बे साइड में जी 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 तो उन दोनों की मतलब सगे भाई जैसी दोस्ती थी सगे भाई जैसे रहते दोनों तो यहाँ अगर धाराई में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हाजी मस्तान साहब आते थे मांडवाली करने के लिए कुछ झगड़ा हो गया कुछ हो गया वहां मुसलमानों में कुछ होता था वरदा राजन जाते थे वरदा भाई साहब जाते थे यहाँ से वहां वहां जाके फैसले करते थे

बहुत आप डरते नहीं थे नहीं नहीं हम तो बहुत हमको बहुत प्यार करते थे ना बच्चा हम उनका <laughs> बैठते थे उनका बहुत कुछ है, उनका, वो, फैसले करते किसका है। मैं बैठ रहता थे, <laughs> पर महसूस होता था धारावी में अब डर तो क्योंकि इनकी एक इज्जत होती थी ना उनको लोग डरते थे और वो फैसले करते थे किसी औरत पर जुल्म होता तो उनको बहुत तकलीफ होती थी वो सब वो कोई दादा भी होगा ना उसको बराबर कोई, कोई भाया टाइप का उसने किसी औरत से बदतमीजी की उस औरत ने आगे कंप्लेंट की मैं बस वहाँ मौजूद था ए, क्या रे क्या है क्या है तुम दादा है रे एक औरत के साथ ऐसा करता तुम दादा गिरे दादा गिरी दादा, <laughs> दादा का काम दादा ऐसा करता क्या औरत है hey, मेरा उंगली उगली तो जखम होता है ना उसको मैं मालम पट्टी नहीं करता हूँ उतना काट डालता हूँ उतने ही कार्ड डालने का क्या समझ गया तू तेरी कार्ड लोगों में ये डायलॉग ये डायलॉग मैंने दयावान बनने के बाद मैं विजय खन्ना ने मुझे पूछा बोले ये डायलॉग अरे यार पहले बालू होता तो ये डायलॉग हम डालते थे इसका सीन फिल्म आते थे हम लोग तो ये ये ऐसा कितनी बड़ी क्या कमाल डायलॉग डायलॉग आज भी याद कर धक्का होता था उसको मालूम पटन नहीं करता उतना कार्ड डालता मैं क्या याद रखना कभी औरत कुछ करने। चल, थर, निकले। <laughs> ये बोलता आप, नहीं करते नहीं करते नहीं। <laughs> आप गुड बॉय रहते हो ऐसे एनवायरमेंट में तो काफी हद तक बच सकते हो ना इन सब चीजों से खुद के जोन में रहो आप बचे कैसे हमने हम इसलिए बचे कि हमको मालूम था कि ये चीज जो है वो गलत है हमारे एक डैडी के दोस्त थे वो ओ पहले के जमाने में तड़ी पार करते थे ना इसी एरिया से उधर उसी एरिया से उधर तो कल्याण के लोग दादा लोग हमारे यहाँ रहने आते थे तड़ी पारों के तो यहाँ के लोग उधर जाते थे सब ये आपस में एक दूसरे की मदद करते थे तो पहले तड़ी पार करते थे दो साल के तड़ी पार है। तो एक तरी पार था वहाँ का भाई कल्याण का वो आया बेटा तो मैं उनकी सेवा करता था छोटे थे हम लोग अः छोटा इधर आ बेटा हाँ अरे अंकल चाय भाई को चाहिए क्या बोलूँ अब हाँ ये वो बोला तो बड़ी सेवा करता था वो आधी आधी रात को उसका उठता था बोला अंकल तो ठीक है कुछ चाहिए अंकल अरे तू सोया नहीं बेटा हाँ, हाँ हाँ नहीं अंकल मैं इधर हो जाए बेटा टाइम हो गया ना क्या इतना टाइम किधर घूमते पिक्चर देखने का अंकल उधर पिक्चर था ना अच्छा अच्छा कुछ चाहिए अंकल नहीं नहीं कुछ अच्छा इधर अच्छा। बैठ तो मेरे को एक दिन उसने बोला उन्होंने बेटा मेरे सामने कोई खड़े नहीं रह सकता मेरे को देख के गिर जाता मेरे को देख के भागते लेकिन मैं किसी को एक नहीं मर सकता हूँ मेरे में ताकत नहीं है वो देख के कापेगा लेकिन मैं उसको लाफा नहीं मर सकता मेरे में ताकत नहीं है मेरे को देख के लोग डरते हैं दरवाजा बंद कर लेते हैं कल्याण में भागते मेरे को देख के लेकिन जब मैं सोता हूँ ना आधे 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 रात को उठता आधे आधी रात को उठ जाता तो मैं ऐसा लगता है कोई मुस्तंडे आए भाला लेके मेरे को मारने के लिए मैं उठता हूँ तो कोई नहीं फिर सोता हूँ याद है मैं बेटा मैंने बहुत बुरे काम किए हैं बहुत गलत काम किए किसी की हिम्मत ने मेरे को देख के डरते सब लेकिन वो नहीं छोड़ता है वो नहीं छोड़ता है चैन से सो नहीं सकता बेटा मैं क्या करूँ ऐसा होता है इसलिए मैं उठ जाता हूँ बेटा वो हो नहीं छोड़ता है बेटा हाथ जोड़ के तो बेटा बड़ा हो के कभी दादागिरी मत करना बड़ा हो के कभी दादागिरी मत करना गलत काम मत करना दादागिरी मत करना बेटा मैं उनकी बात मेरे अंदर घुस गई थी मेरे को हमेशा उस बात ने उनकी ये लाइनें जो है ना मेरे को हमेशा मुझे एक सिक्योर किया ऑफ गॉड से आया हाँ। मतलब आई एम श्योर मम्मी से भाई भाई ये आदमी मुझे ऐसा क्यों बोलता है क्या है क्या चीज़ है तो मैंने कहा ना बुजुर्गों से मैं कुछ सीखता हूँ उनसे तो बैठता था ये भी है ये ये। यार मुझे अच्छी चीज़ नहीं है नहीं है तो थोड़ा हम उसी टाइप की बातें करते थे और करते दादागिरी की तरफ भी गए नहीं ऐसा नहीं क्योंकि ब्लड है कभी कभी तकलीफ होती है हमारा डैडी बहुत डेरिंग बात है मेरे डैडी बहुत डेरिंग बात थी दस दस बारह बारह आदमी अकेला मारते थे एक पंच मारा आदमी तीन कुलर तीन कुल एक पटका तीन कलाटी रे ऐसा उनका डायलॉग था एक पटका तीन कलाटी <laughs> ऐसा तो वो था तो वो ब्लड हमारे अंदर है मुझे भी कभी कभी कोई अन्याय देखूँ तब तो तकलीफ होती है वो टाइम में बहुत तकलीफ होती थी जी जब मैं यंग था इंडस्ट्री में कोई किसी पे कोई कर रहा है क्या है तो मुझे बहुत तकलीफ हम लोग ऑर्केस्ट्रा पे कहीं जाते थे कोई हमारी डांसर हो कोई सिंगर हो कोई गलत निकाल को बदतमीजी किया तो थोड़ा सा लगता है इसको इसको कोने में कहीं ले जाके दू के रखे उस साले को क्योंकि तो जाने से पहले उसको मैं देता हूँ रखे वाले यहाँ कोई बात नहीं अपने लोग को आगे छुड़ा है यहाँ पे इस टाइप लेकिन मैं इसको मारूँगा ऐसा लगता था तो कभी कभी मैं परेशान तो होता कुछ नहीं था लेकिन बाद में मैं परेशान होकर मैं कभी कभी -कर प्रेयर करता था गॉड से गॉड ऐसा क्यों अगर मुझे ऐसा आता है तो फिर मुझे टैलेंट क्यों दिया तूने तो ये क्यों ये रखा इसको निकालूँ ना प्लीज़ मुझे क्यों क्यों होता तो आपका ब्लड कहीं कहीं बोलता है, लेकिन उस ब्लड को आपको कंट्रोल कर रहा है तो कंट्रोल मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन उसकी कृपा से वो कंट्रोल होता था ऊपर वाले का टेस्ट भी यही है हाँ गुस्सा भी देगा और फिर आपकी रिएक्शन भी देता है और अभी मेरी मेरी इमेज को वो सूट नहीं करता हाँ वो एक बार मैं शूटिंग कर रहा था बैंड्रा में काटर रोड पर शूटिंग कर रहा था वहाँ एक लड़की थी उसको पिकनिक पे बस बह के आइए दरिया में बह कर आइए तो वो बिकनी है और ये है उसका नु? तो वो पड़ी हुई तो उसको वो दिखाना है कि वहाँ किनारे पड़ी हुई है और उन जाके देखते हैं उसको मैं हवलदार हूँ और इंस्पेक्टर विनोद खन्ना जी आखिरी पता नहीं कोई कुछ पिक्चर थी उमेश बहरा जी की यानी मैं उधर खड़ा तो अभी वो शॉर्ट हो गया था फिर बैठे हम लोग चाय पी रहे थे पानी पी लेते वगैरह तो बैठे थे वो बेचारी टावे ऐसा ओढ़ के बैठी हुई एक रिक्शा वाला है सुबह सुबह की शूटिंग थी आठ नौ बजे का टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे एक रिक्शा वाला है और रुमाल ऐसा डर डर वो देखा उसने खाली <laughs> टॉवेल उड़ी हुई है ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है वो और कर रहा है और ऐसा देख रहा यूं देख रहा है मैं इसको देखा बहुत देर तक कमा इसको भले दो चार देता इसको रख के बिठा के इसको मैं साले निकल जाऊँ तो गुस्सा मुझे आ रहा था मैं गया उसके पास मैं ले रहा निकल। निकल मेरे को देखा ऐसा किया चालू किया और मेरे को देख के बोलता है, ऐसा करके चला गया मैंने क्या तो किया कुछ चला तो गया लेकिन मुझे लुक कैसे दिया भाई साले तेरे को भी गुस्सा आता है क्या <laughs> मेरी इमेज को सूट और आप यकीन करिए मैं उसकी तो मुंह फोड़ देता था, उसको पता भी नहीं चलता उसको इतना मैं मारता उसको मैं क्योंकि हम लोग तो स्ट्रीट फाइटर लोग हैं ना टक्कर टक्कर वक्कर मार के फोड़ डाल दे इस टाइप के हम लोग बचपन यही देखे हम लोगों ने तो उसको उसको चांस ही नहीं था कोई ऐसा इतना गुस्सा मुझे बट वो तो निकल गया फिर मेरे को लगा यार रिक्शा ने क्या 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 लुक दे मेरे को एकदम एड़े में गिनती किया मेरे को मेरा काम नहीं है मुझे ये भी नहीं करना है मेरी इमेज को सूट नहीं करता है तो मैंने अपने आप करके, को करके उसको समझ के तो क्योंकि एंग था नहीं हम लोग छब्बीस साल की एज में क्या होता है आप अलग होते हैं धीरे धीरे दुनिया समझ आनी चाहिए तो ऐसे ही हमने उसको ठीक कर लिया फिर बाद में कर लिया कड़े ने बोला था दादागिरी कभी मत करना बेटा अरे हाँ यार देखिए ये दादागिरी होगी <laughs> दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ